कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन, सोने के मार्केट में क्या कीमतें चल रही है, कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चने के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, बाजारों में और भी तेजी चने में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मिलों में खरीद बनी रहने की वजह से लगातार दूसरे दिन बाजारों में कल के दिन तेजी दर्ज करी गई और आज भी बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट चने में फिलहाल नहीं आई है। आज ही मार्केट में 50 रुपए तक दाम तेज रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार चने में बिकवाली कमजोर है, खपत का सीजन होने की वजह से आने वाले टाइम में ग्राहकी और बढ़ सकती है डिमांड। अगस्त में बेसन और चने की और भी बढ़ सकती है। दाल मिलों को खरीद बनी रहने का अनुमान है। उत्पादक राज्यों की मंडियों में चने की आवक सीमित मात्रा में हो रही है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम था। ऑस्ट्रेलिया से आए थे चने के परते महंगे हैं। अक्टूबर और नवम्बर शिपमेंट के भाव $810 प्रति टन C&F बोले गए हैं। इसके मौजूदा भाव में और भी सुधार देखा जा सकता है। लॉरेंस रोड पर राजस्थान के जो चने के दाम रहे हैं वो 50 रुपए तक तेज होकर 7100 से 7150 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे जा रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 50 रुपए तक दाम बढ़कर 7050 से 7075 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे जा रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी जा रही है। चने के मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट आने का अनुमान नहीं है। आने वाले टाइम में और भी तेजी आ सकती है बाजारों में। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो चने के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी करके जरूर चल सकते हैं। भविष्य फिलहाल चने के बाजार में तेजी का ही देखा जा रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।